डॉक्टर। वैसे ज्यादा गहरी चोट नहीं आई और खून की रवानी भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मजीद चेक करने के लिए हमें एक्सरे करना जरूरी होगा। हाँ सुमैया, तुम जा सकती हो, अब इस मरीज का ख्याल नैना रखे। मगर ठीक है डॉक्टर, गेट वेल सून। थैंक यू सो मच भाई। डॉक्टर, मुझे ज्यादा दर्द नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से मैं चल भी सकता हूँ। देखिए मुझे जाने दे प्लीज। ठीक है नैना, क्या आप मरीज को बता सकती हैं कि इन्हें हुआ क्या है? ठीक है मैं बताती हूँ आपको। देखिए मेरी बात सुने, आपकी चोट देखकर ऐसा लग रहा है कि कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो। इस वक्त शायद आपको दर्द इतना महसूस ना हो रहा हो, लेकिन ये बाद में सीरियस हो सकता है, इसलिए आपका फौरन चलना फिरना मुनासिब नहीं होगा। इस पे प्लास्टर बंधेगा और उसके खुल जाने तक कहीं नहीं जा सकते आप, तब तक यहीं रुकना होगा आपको। मुझे यहीं रुकना होगा? हाँ बिल्कुल। हाँ तो सही कहा ना डॉक्टर मैंने? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं डॉक्टर नैना, लेकिन हमें हड्डी चेक करने के लिए एक्सरे करवाना भी जरूरी होगा। एक्सरे के साथ साथ इन्हें आइस ट्रीटमेंट की भी जरूरत है, और मैं चाहता हूँ कि वो ट्रीटमेंट आप करें। इन्हें एक्सरे के लिए ले जाएं और उनसे कहेंगे थोड़ा जल्दी करें। डॉक्टर ये तो एक नर्स का काम है, मेरा यहाँ रुकने का क्या मकसद? क्योंकि मैं कह रहा हूँ। हाँ क्या सुना नहीं क्या? ओके माफी चाहती हूँ मैं। माफी किस लिए? ठीक है गुड। डॉक्टर नैना इसे आप क्यों ले जा रही हैं ऐसे? तो क्या कर सकती हूँ मैं सुमैया, सिनान ने ऐसा कहा है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप छोड़े मैं ले जाती हूँ इसे, छोड़े। बहुत शुक्रिया तुम्हारा सुमैया। कोई बात नहीं सुमैया, मुझे तुम्हारी लैब में जरूरत है, जल्दी से आ जाओ। डॉक्टर मगर मैं मरीज को ले जाने में इनकी मदद कर रही हूँ। वो खुद कर लेंगे, लेकिन इस वक्त आप मेरे साथ चलें, देर हो रही है, जल्दी करें जल्दी। शाबाश, जाना होगा, माफी चाहती हूँ मैं। तुम माफी क्यों मांग रही हो मुझसे, तुम्हारी गलती थोड़ी है। अच्छा चलो तुम जाओ। ठीक है। अच्छा भाई हम भी चलते हैं। एपिक, ओरिएंटेशन कैसी चल रही है? ठीक, लेकिन अभी पेशेंट्स नहीं मिल रहे मुझे। मिल जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, बेफिक्र हो जाओ। सिनान नैना आराम से आराम से, ठीक तो हो तुम? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। वो मैंने सोचा कि आप कहीं निकलना जाए, इसलिए ये सब हो गया मुझसे। खैर कोई बात। डॉक्टर उस मरीज की सारी रिपोर्ट्स आ गई, अगर आप चाहें तो कंप्यूटर पर चेक कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। डॉक्टर एक मरीज आया है जो दूसरी मंजिल से गिर गया था, उसे रूम में शिफ्ट कर दिया, आप चेक कर लें। फिर से वैसा ही केस? सुमैया हमने अभी तो उस मरीज को देखा था। नहीं वो नहीं है, कोई और मरीज आया है। वैसे आज क्या बालकनी से गिरने का आलमी दिन तो नहीं? चले बताएं कहाँ है वो, देखते हैं जल्दी। इस तरफ। हेलो मैं हूँ डॉक्टर सिनान, और आपका नाम क्या है? तैमूर। मेरा नाम तैमूर है ब्रो, सुनाई नहीं दिया तुम्हें क्या? ओके मिस्टर तैमूर, तो बालकनी से कैसे गिरे आप बताएंगे मुझे? बालकनी से पैर फिसला और वहां से गिरा धम सीधा सीधा। और कुछ बताऊं ब्रो? दैट्स इट। सुनो सही जबान में बात नहीं कर सकते क्या? कम ऑन डॉक्टर होके कैसी बातें कर रहे हो ब्रो, इंसान को वक्त के साथ साथ बदलना चाहिए यू नो। ठीक है ठीक। तुम बालकनी में कर क्या रहे थे? मैं वहां केबल सेट कर रहा था, अचानक मेरा पैर फिसला और मैं नीचे जाके धम, और जब होश आया मुझे आई फील डेथ। वो ब्रो क्या कर रही हो तुम? रिलैक्स रहो, क्या तुम भी कचरे में गिर गए थे? तुम भी से क्या मतलब तुम्हारा? खैर छोड़ो। ये भी वैसा ही केस है, मैं ऐसा करती हूँ इसका एक्सरे करवा के आती हूं। इसकी कोई जरूरत नहीं है सुमैया तुम्हें, डॉक्टर सिनान इसका चार्ज भी मुझे ही देंगे। बिल्कुल नैना बिल्कुल ठीक कह रही है सुमैया, आप रहने थे। ठीक है डॉक्टर, गुड लक। रुको रुको मैं भी साथ चलती हूँ तुम्हारे, क्योंकि इसके लिए व्हीलचेयर लानी होगी मुझे। हेलो बात सुनो, कितना वजन होगा तुम्हारा? आई थिंक 95 के आसपास। उफ उफ, अगर कम खाया होता तो इतना वजन ना बढ़ता। वैसे ये दिन में कितना खाना खाता होगा, कंट्रोल करो भाई, इतना वजन होना भी अच्छी बात नहीं। हाँ अच्छा तो ये बताओ दर्द कहाँ हो रहा है? उफ यार, यार एक बात तो बताओ,
तुम्हारे घर वाले खिलाते क्या है तुम्हें? ज्यादातर तो मैं सब्जियां ही खाता हूँ, यू नो। सब्जियां खाने से कोई इतना मोटा नहीं होता, मुझे लगता है कि तुम फास्ट फूड भी खाते होगे। ओके, यू गॉट मी, मैं सिर्फ फास्ट फूड ही खाता हूँ। अरे यार उफ। अरे नैना क्या हो रहा है? ओए 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 ओए, पुकारने की जरूरत नहीं है, धक्का दे देकर थक गई हूँ मैं। मैं भी इंसान हूँ। हाँ इट्स ओके। बात सुनो मेरी, अभी तक ड्रामा बिल्कुल ठीक चल रहा है, ऐसे ही अदाकारी करती रहो, ठीक है? आयला किस ड्रामे किस खेल की बात करी हो यार, उसको तो मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं, दिन ब दिन अजीब होता जा रहा है। अब देखो कैसी कैसी ड्यूटीज दे रहा है मुझे करने के लिए। आयला तुम खुद देखो, इस हाथी जैसे इंसान को मुझे लैब तक लेकर जाना है। क्या होता है ये? अब कोई ड्रामा नहीं समझी? मुझे कोई ड्रामा व्रामा नहीं करना, मैं थक गई हूँ इस सब से। नैना यार तुम समझ नहीं रही हो, देखो वो जल्द हार मान लेगा और तुम्हारा सब रहेगा नहीं जाएगा, और इस सब के बाद तुम जो कुछ चाहती हो तुम्हें मिलेगा और फिर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगी। तुम्हें लगता है कि ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल ऐसा होगा। चलो अब दोनों इसको मिलकर धक्का देते। नहीं तुम रहने दो इसे यार। कैसी बात कर रही हो, मैं हेल्प कर रही हूँ तुम्हारी। पापा हाँ, क्या एक मिनट यहाँ आ सकती हैं आप? ये तो जानबूझकर ऐसा कर रहा है, जेलस कहीं का। आपा जल्दी आएं, जल्दी। आ रही हूँ। चलो भाई इस हाथी को मुझे लैब तक पहुंचाना है किसी भी हाल में। चलो नैना लो। तो सुनो यार, इधर आओ, बात सुनो। ऐसे अदाना कबाब तुमने जिंदगी में नहीं खाए होंगे, मैं तुम्हारे लिए खास तौर पर लेकर आया हूँ यार। नैना नैना। वाह बेबीज, जो कुछ भी होता है इसमें मेरा कोई कसूर नहीं होता। अब मैं अपने आप को रोकूं तो कैसे रोकूं आबिद यार? ये लोग कितनी तकलीफ में हैं और इनकी तकलीफ का इलाज सिर्फ मेरे पास है, सिर्फ आबिद के पास। डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई तुम्हें नहीं रोक सकता अंदर जाने से। ये पॉइंट तो तुम्हें ही स्कोर करना है आबिद। कम ऑन बॉय, इससे पहले कि टाइम खत्म हो जाए ये गेम जीतना होगा तुम्हें। ओके ओके, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूँ। मुझे हैरानी से मत देखिए, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ डॉक्टर्स की मदद करने के लिए आया हूँ। मेरा नाम आबिद है और मैं आपकी हर तरह से मदद कर सकता हूँ। आबिद यहाँ तुम क्या कर रहे हो? हाँ ओह, मैं दरअसल यहाँ इसलिए आया था क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मशहूर अदाना कबाब, जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं, जो चाहे वो खा सकता है। ओके अब मैं चेकअप करना चाहता हूँ आप लोगों का, पहले तुम्हारा या तुम्हारा? पहले तुम्हारा करता हूँ। ओके तो क्या आप तैयार हैं? तकलीफ हो तो बताइएगा। ओह इनके मसल्स तो बहुत स्टिफ हुए हैं, उसके लिए इनको मसाज की जरूरत है। अगर ये चाहें तो ये मुझसे मसाज ले सकती हैं, मैं बहुत ही अच्छा और तरीके का मसाज करता हूँ, वैसा मसाज आपने कभी नहीं करवाया होगा। नैना इसे यहाँ से बाहर लेकर जाओ। ठीक है। आप यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं, चले जाओ यहाँ से। नैना तुम परेशान मत हो, इनको मेरी ही जरूरत है क्योंकि मैं मसाज में माहिर हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये उससे मुस्तफीद हो। और ज्यादा जेलिस मत हो तुम, ओके? क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज अपनी जगह लेकिन मोहब्बत अपनी जगह तुमसे। तुम जानती हो ना कितनी मोहब्बत करता हूँ मैं तुमसे। हाँ मुझे जो वरना चांस से मार दूंगी मैं तुम्हें। हाँ ओके, अभी तो मुझे जाना होगा, लेकिन आपको मसाज की बेहद जरूरत है क्योंकि मैंने आपके मसल्स चेक किए हैं जो कि बहुत स्टिफ हैं। अरे डॉक्टर क्या हो गया यार? माफी चाहता हूँ कि हॉस्पिटल में आपको ऐसे नमूनों का सामना करना पड़ा, बस अभी यार। जब भी मसाज कराना हो मुझे जरूर बुला लीजिएगा। ओके इस सब के लिए माफी चाहती हूँ मैं। देखें एपिक और अली को भेज रही हूँ मैं, वो आपको टोमोग्राफी के लिए ले जाएंगे, समझ गई? परेशान होने की कोई भी बात नहीं, जाकर फौरन भेजती हूँ आप लोगों के पास। ठीक है भेजती हूँ उन्हें मैं। इस कदर नखरे कौन करता है? हाँ मैंने मान लिया कि तुम खूबसूरत हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम आबिद को एटीट्यूड दो। अरे यार मैं तुमसे कुछ भी नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि तुम रोज रेस्टोरेंट आ जाना और मुझ जैसे हैंडसम आदमी के साथ डिनर करने का मौका तुम्हें फिर कब मिलेगा? अब तुम जाओ। ओके बाय। चलो रात को मिलते हैं। चीयर्स। कोई काम नहीं है तुम्हें डॉक्टर? हर वक्त मेरे पीछे घूमते रहते हो तुम, क्या कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ फालतू में मारे जा रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी है कि मैं कौन हूँ? आबिद देखो, अगर दोबारा नैना को परेशान किया तो सिर्फ नाक नहीं बल्कि तुम्हारे जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा, मैं समझ आ रही हूँ तुम्हें? आ,
आबिद, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, क्या तुम बिल्कुल अंधी हो चुकी हो नैना? तुम्हें नजर नहीं आ रहा? अपना सर कहीं मार दिया था या हसन भाई के गुंडों ने मारा है तुम्हें आबिद? नहीं, डॉक्टर सिनान ने मारा है मुझे। क्या? हाँ, वो भी मैंने तुम्हारी वजह से उसे छोड़ दिया। अगर कोई और होता ना उसकी जगह तो मैं उसे इतना मारता कि वो हमेशा याद नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। सिनान ऐसा नहीं कर सकता कभी भी। अच्छा, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने कभी तुमसे झूठ नहीं बोला और ना ही कभी बोलूंगा नैना। आबिद उठो उठो। तुम मुझसे इसी तरह से प्यार करती रहो नैना, और उसका बस चले तो वो मेरा सब कुछ तोड़ डाले। देखो क्या हाल कर दिया उसने मेरा। नहीं, वो बिला वजह ऐसा नहीं कर सकता, यकीन है मुझे। अंधी हो गई हो तुम क्या? उसकी मोहब्बत ने आंखों में पट्टी बांधी है तुम्हारी कि उसने मेरा ब्रैड पिट जैसा चेहरा जैकी चैन जैसा बना दिया है, बिल्कुल छोटा सा, और मैं अब हैंडसम भी नहीं रहा पहले जैसा। मुझे यकीन नहीं आ रहा, वो आखिर ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो पागल इंसान है, बिल्कुल नफ्सियाती टाइप है। पहले उसने मुझे बाहर कॉरिडोर में मारा, फिर मुझे अंदर लेके आ गया कमरे में, उसके बाद जमीन पर धक्का दिया मुझे और ऐसे मारना शुरू किया जैसे मैं उसे फिर मिलूंगा ही नहीं। थोड़ी बहुत मार बात के लिए ही बचा लेता। चलो खामोश हो जाओ, ठीक हो जाएगा। परेशान मैं तो कभी कभार ऐसा हो जाता हो है। जाता है क्या? मतलब है, मैं इस वाकये को भूलने वाला नहीं हूँ। मैं प्रेस में जाऊंगा, मैं टीवी पे जाऊंगा, मैं सब जगह उसके पोस्टर्स लगाऊंगा। इस हॉस्पिटल को बदनाम ना किया तो मेरा नाम आबिद नहीं, लोग इस हॉस्पिटल में आना छोड़ देंगे। और डॉक्टर सिनान को ना मैं चौराहे पे लेकर जाऊंगा और फिर उसको मारूंगा। वो समझता क्या है? तुम उससे मोहब्बत करती हो ये अलग बात है, बट मैं उसको बख्शने वाला नहीं हूँ। ये जुल्म हुआ है मेरे साथ, मेरा इतना खून बहा है कि मैं क्या बताऊँ। अब मैं वीक भी फील कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी हसन भाई को फोन करती हूँ, तुम्हारी सारी हकीकत बता देती हूँ उन्हें। अच्छा, तुम उन्हें फोन करोगी तो बताओगी क्या? तुम बताना कि वो डॉक्टर सिनान ने मेरे साथ जुल्म किया है। अपनी बकवास बंद करो आबिद, तुम इस मामले को यहीं दफन कर दो और जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, समझे? मैं जाकर सिनान से बात करती हूँ कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तुमने जो कहना था कह दिया, अब उसे जाके पूछूंगी। अरे ये क्या है, ये किसका गंदा कपड़ा उठा के मुझे पकड़ा दिया तुमने? ओफ, ठीक है ठीक है। आह, क्या अब मैं बच भी पाऊंगा? सिनान, सिनान। अरे डॉक्टर, उन वॉलीबॉल वाली लड़कियों को हमने डिस्चार्ज कर दिया है, वो जा चुकी हैं। डॉक्टर सिनान को क्या हो गया? मुझे क्या पता क्या हुआ है। बाजिल, क्या हुआ? होना क्या यार, सिनान आज भी काफी गुस्से में है। उफ, इसका मतलब है कि आज भी हम उससे बात नहीं कर सकते क्योंकि उसका मूड ऑफ है। सही कहा आयला, बहुत मुश्किल होता जा रहा है बाजिल। हम एक साथ होते हुए भी शो नहीं कर सकते, एक हैप्पी कपल की तरह। वैसे बाजिल, आज शाम डिनर पे चले कहीं बाहर? कहाँ जाना पसंद करेंगी मैडम आयला? ये तुम पर है, जहाँ भी ले जाओ। ठीक है फिर, एक नई जगह है, रोज रेस्टोरेंट, वहीं चलते हैं। जबरदस्त, एक हैप्पी कपल की तरह डिनर पे जाएंगे हम। वक्त कैसे गुजरेगा, बेसब्री से इंतजार है मुझे। मुश्किल है थोड़ा सा। डॉक्टर, मैं आपसे ये कहना चाह रही थी कि आबिद जो कह रहा है क्या वो सच है? मुझे तो उसकी बात पर यकीन नहीं है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि आप किसी पर हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन फिर भी आबिद की हालत देखकर आपसे यहाँ पूछने आ गई। क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिर हुआ क्या था? तुम रोज रेस्टोरेंट आ जाना, और मुझ जैसे हैंडसम आदमी के साथ डिनर करने का मौका तुम्हें फिर कब मिलेगा? अब तुम जाओ। अगर दोबारा नैना को परेशान किया तो सिर्फ नाक नहीं बल्कि तुम्हारे जिस्म की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा, मैं समझ आ रही है तुम्हें? कुछ नहीं, बस गलतफहमी हो गई। आबिद ने कुछ ऐसा कह दिया था जो शायद उसे नहीं कहना चाहिए था, और मेरा दिमाग घूम गया और ये सब हो गया। मैं ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन खुद पर काबू नहीं रहा मुझे। क्या आपने सच में उसे मारा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने ही मारा उसे नैना। ठीक है, मैं चलता हूँ अब। वो क्या रहा है यार? अब मैं क्या करूं? मैं नैना से प्यार करता हूं, और वो आबिद, वो तो एक नंबर का पागल इंसान है। हर दूसरी लड़की के साथ फ्लर्ट करता है, मैं उसे नहीं छोड़ने वाला किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में।
नैना? सिनान, गुड इवनिंग। मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, प्लीज मेरी बात का यकीन करो। मेरा मकसद हरगिज ये नहीं है कि इस वक्त आके तुम्हें डिस्टर्ब करूं। मुझे मालूम है कि मैं आए दिन तुम्हें बहुत परेशान कर देती हूं, लेकिन इस वक्त जो बात है वो अजीब है, मगर नैना देखो, तुम इस वक्त मुझे तंग तो करने आई नहीं, तो क्यों ना तुम आराम से बात करो, रिलैक्स हो जाओ, आराम से बताओ कि आखिर मसला क्या है। हाँ, ये अच्छा है। दरअसल मैं तुम्हें पूरी बात बता देती हूँ। मैं टीवी देख रही थी और लाइट चली गई सिनान, मैं सोफे पे बैठी थी कि अचानक फट करके आवाज आई। पहले तो सोचा मैं खुद जाके देख लेती हूँ कि आखिर मसला क्या है, लाइट क्यों चली गई, लेकिन अंधेरे की वजह से मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और इस प्रॉब्लम को मैं खुद से फिक्स नहीं कर पाई। तुम्हें तो पता है ना कि अंधेरे से मुझे कितना डर लगता है, इसीलिए मेरी हिम्मत नहीं हुई और तुम्हारे पास चली आई। क्या तुम मेरे साथ ऊपर चल के ये देख सकते हो कि आखिर क्या मसला है और लाइट क्यों चली गई? ठीक है नैना, तुम परेशान ना हो, मैं भी चल के तुम्हारे अपार्टमेंट में सब ठीक कर दूंगा। मैं जरा अपना टूल बॉक्स ले लूं, फिर चलता हूं तुम्हारे साथ। मैं यहीं पर हूं। मैं आ रहा हूं। ओके। आबिद घर पे? नहीं, वो नहीं है, पता नहीं कहाँ गया वो आशा। मुझे पता है वो कमीना इस वक्त कहाँ होगा। क्या कहा तुमने? तुम रोज रेस्टोरेंट आ जाना और मुझ जैसे हैंडसम आदमी के साथ डिनर करने का मौका तुम्हें फिर कब मिलेगा? अब तुम जाओ। ओके बाय। चलो रात को मिलते हैं। नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं नैना, कुछ खास नहीं, परेशान मत हो। अब आयला कहाँ है? मुझे इस वक्त घर पर नहीं दिखी वो। हाँ, उसने मैसेज किया था, वो डिनर पर गई है। नैना, वो मुझे वोल्ट इंडिकेटर पकड़ाओगी जरा? हाँ अभी देती हूँ। लेकिन ये होता कैसा है? छोड़ो तुम, मैं खुद देख लेता हूँ। सॉरी तो मुझे कहना चाहिए, आपको हमेशा मेरी वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम पेश आ जाती है, लेकिन इस बार कुछ भी जानबूझ के नहीं किया मैंने, गलती से हो गया वो, सॉरी। नहीं नहीं नैना, तुमने जानबूझकर थोड़ी किया वो, एक्चुअली लाइट भी नहीं है तो शायद तुम्हें पता नहीं चला और तुम गिर गई। वो मैं जरा ये चेक कर लेता हूँ, देखते हैं मसला क्या है। आ गई, बहुत शुक्रिया तुम्हारा सिनान, देखो तुम्हारी वजह से कितनी खुश हो गई हूँ मैं, बहुत शुक्रिया। तुम इस नैना, लाइट आने की खुशी में आप मुझे डिनर पर लेकर जा रही हैं? इस वक्त डिनर? हाँ बिल्कुल इस वक्त, तुम्हारी बिजली ठीक करते करते मुझे भूख लग गई, और वैसे भी तुम्हारे किचन में कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा जो तुम पकाओ, और वैसे भी तुम्हारी कुकिंग स्किल्स के बारे में जानता हूँ मैं। हाँ अच्छा फिर ठीक है, कहाँ चलें? कहाँ चलें? हाँ, रोज रेस्टोरेंट, नई जगह है और मैंने उसके बारे में काफी तारीफें सुनी हैं, कुछ तो नया होगा ना वहाँ पर, क्या ख्याल है तुम्हारा? हमें चलना चाहिए और देखना चाहिए कि आखिर कैसा है वहाँ सब कुछ। हाँ, और इसी बहाने कुछ बातें भी कर लेंगे। ठीक है हम चलते हैं, मेरा यही इंतजार करो, मैं फौरन 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। हाँ कहीं जाना नहीं, मैं जाती हूँ और फौरन तैयार होकर आती हूँ। हाँ नैना। हाँ तब तक मैं भी कपड़े बदल लेता हूँ और सामान भी नीचे रख देता हूँ, फिर हम नीचे ही मिलते हैं। हाँ दोबारा मसला हो तो आप मुझे कॉल कर सकती हैं। हाँ हट तो रेडी है ना? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज। ये लीजिए मिस नैना, पहले आप अंदर जाइए। हाँ कैसा लगा तुम्हें सब? ये जगह तो कितनी खूबसूरत है। आ, 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 वो झूला, झूला भी है। आराम से नैना, आराम से। अरे वहाँ भी है। लो और एक्साइटेड हो जाओ तुम नैना। अच्छा तो अब हम घास पर लेटेंगे, ठीक है? ठीक है। आ,
आई थिंक ये जगह हम दोनों के लिए अच्छी साबित होगी। नैना, भूख लगी है क्या? हाँ यार, मेरा मतलब है कि इस ताजा हवा ने भूख को बढ़ा दिया है मेरी, मुझे ऐसा लगता है। चलो कुछ बनाते हैं तुम्हारे लिए, तुम भी आओ मेरे साथ। शाबाश, आ जाओ। ये लो, चलो मुंह खोलो अपना। गुड। और ये रहा ऑरेंज जूस, शाबाश। सिनान, अच्छा हुआ कि हम खाना खाने आ गए, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। हाँ मुझे भी पता है ना, वैसे ये सब देख के लग रहा है तुम ठीक होने वाली। ऐसा तो कुछ नहीं, वो दरअसल जैसे मेरे जहन से सब कुछ उड़ गया हो, मैं कोशिश भी करती हूँ लेकिन याद नहीं आता। ना जाने ऐसा क्यों लगता है कि अब कुछ भी याद नहीं आने वाला मुझे। नैना, हो जाए फिर, ये सारा केक तुम्हें अकेले ने खत्म करना है, कम ऑन। कितना अच्छा है। क्या? कुछ नहीं। नहीं नहीं सिनान, ये सारा केक नहीं खा सकती मैं, वैसे भी मेरा पेट तो भर गया है, इसलिए बेहतर यही होगा कि मजीद नहीं खाना चाहिए मुझे। ऐसा लगता है कि याददाश्त जाने से मेरे मेदे पर भी असर हुआ है, इसलिए नहीं खा सकती अब। तो तुम नहीं खाओगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम्हें नहीं खाना तो कोई बात नहीं, तो फिर तुम तो केक खा नहीं रही, तो फिर मैं खा लेता हूँ, क्या ख्याल? बिल्कुल बिल्कुल, तुम खा लो इसे। ठीक है ठीक है। नैना ये देखो, अपने दोनों हाथ ऐसे ऊपर करो, इस तरह, सूरज से विटामिन डी लेने का सबसे अच्छा तरीका है। चलो शुरू हो जाओ। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? चलो हाथ ऊपर करो, शाबाश, जल्दी। सिनान, क्या एक बात पूछूं मैं तुमसे? हाँ पूछो। यानी कोई गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं। ये बताएं, क्या पहले भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी आपकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। नैना, हंस रही है क्या बात? हाँ सॉरी सॉरी, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरी याददाश्त चली गई है, इसलिए पूछ रही हूँ। यानी कि ये तो अच्छा है ना कि याददाश्त आने तक ये तुम्हारे बारे में जान लूँ अच्छी तरह से। वैसे भी कुछ गलत तो नहीं कह रही हूँ। देखो सिनान, मुझे गलत मत समझना, यानी हर चीज़ मालूम होनी चाहिए ना, इसलिए मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड वगैरह के बारे में पूछ रही हूँ और कुछ नहीं। हाँ हाँ पूछो पूछो। जवाब तो दो जो पूछा मैंने। क्या जवाब दूँ, किस सवाल का जवाब दूँ मतलब? कोई ऐसा है जिसे तुम चाहते हो बहुत? नैना यार ये बहुत पर्सनल बातें हैं, बाद में बात करेंगे, ठीक है? हाथ इतने ऊपर काफी है? नहीं और ऊपर, यस। हेलो आपा। सिनान कैसे हो तुम? और ये बताओ नैना कैसी, उसकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है, बल्कि काफी बेहतर है, परेशान मत हो। नहीं यार, यादाश्त तो अब तक वापस नहीं आई, और जब तक नहीं आएगी मैं उसके साथ यहीं रहूंगा। ठीक है, आप ठीक कह रही। हाँ हाँ मैं समझ गया आपकी बात। हाँ मैं अब उससे मजीद कुछ नहीं छुपाऊंगा। ठीक है आप। अच्छा अब मैं फोन रखता हूँ, आपसे फिर बात होगी, खुदा हाफिज। हद होती है यार, अगर हमारे दरमियान कुछ है तो उसने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया यार, कितना डायरेक्ट पूछा था मैंने। आइडिया, मैं छुप जाती हूँ कहीं पर, फिर ढूंढता रहे वो। हाँ
नैना, 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 कहां गई यार ये? फिर से किसी मुसीबत में ना फंस जाए। नैना, आई, आई। वहां क्या कर रही हो नैना? तुम फिर से छत पर चढ़ गई? हाँ, तुम्हारा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, पागल हो गई हो पूरी की पूरी। नीचे उतरो, आ जाओ। नहीं नहीं उतरूंगी मैं। क्या मतलब है? गिर जाऊंगी मैं, डर लग रहा है। मेरा मतलब नहीं कर पाऊंगी मैं ये। अच्छा वहीं रहो तुम। है? वहीं रहो एक मिनट। आ जाओ। एक मिनट, मैं मदद नहीं करूंगा। तुम खुद से नीचे उतरने की कोशिश करोगी, बल्कि ऐसा करोगे तुम नीचे गिर जाओ, फिर शायद तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए। ओह नो, मैं अगर इतनी ऊपर से गिरूंगी तो मेरे हाथ पांव टूट जाएंगे। ऊपर कहां से आई थी? वहां से। तो फिर वहीं से नीचे भी आ जाना, मैं जा रहा। सिनान मुझे अकेला छोड़ के मत जाओ, मुझे डर लगता है। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता पागल। क्या देख रही हूँ मैं? जाग तो रही हूँ ना? ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ख्वाब देख रही हूँ मैं। मुझे अपनी फीलिंग जाहिर नहीं करनी, वरना इसको लगेगा कि सच में मेरी याददाश्त वापस आ गई। कितना हैंडसम है ये। सोने से बेहतर है कि मैं अंदर जाकर कुछ जूस वगैरह बना के लाऊं उसके लिए। हाँ जानबूझकर नहीं किया मैंने सिनान। ऐसा क्यों होता है हमेशा मेरे साथ ही? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है आखिर? एक मिनट, क्या कहा तुमने? हमेशा ऐसे ही कुछ होता है? कुछ याद आया क्या? हाँ, नहीं नहीं तो नहीं तो कुछ याद नहीं आया। आपने ही तो बताया था मुझे कि मैं छत से भी गिर गई थी। हाँ, और हाँ आपने ये भी तो बताया था कि मैं हमेशा ऐसी ही हरकतें करती हूँ। हर वक्त मैं जल्दी में रहती थी और कोई भी चीज गिरा देती थी मैं। अभी भी देखें वही किया है मैंने, इसलिए बस मुंह से निकल गया मेरे। ठीक है, ऐसा करती हूँ कि वो ये सब उठा लेती हूँ मैं। अच्छा आप कंटिन्यू करें। ओके। सिनान, मैं ऐसा करती हूँ कि ये सामान समेट लेती हूँ मैं। नैना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखो तुम आज मेरी मेहमान हो, तो सब काम मैं करूंगा, तो यहाँ का सब कुछ मैं समेटूंगा और मेज भी मैं साफ करूंगा। तुम एक काम करो, तुम जब तक कॉफी बनाओ, ठीक है? ओके। तो फिर मैडम नैना, आप यहाँ बैठना पसंद करेंगी? पानी गिरा दिया मुझ पर। तो और क्या करता मैं? अच्छा ठीक है, तो फिर मैं जाके चेंज करके आती हूँ। हाँ हाँ जाओ तुम चेंज कर लो, और कुछ और पहनना, ठीक है? हाँ, क्या कहा? रुको रुको, इससे पहले कि तुम्हें गलत फहमी हो, तुम यहीं रुको, मैं भी आता हूँ। अभी आया। क्या होगा?
और आ गया मैं। ये लो, ये पहनोगे अब तुम। क्या है ये? खुद ही जाकर देख लो, जाओ। जल्दी। वाह नैना, बहुत खूबसूरत लग रही हो। वैसे आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। ऐसा लग रहा है वो दिन, मेरा मतलब है कि डांस कंपटीशन में ऐसी ही ड्रेसिंग की थी हमने। वो दिन डांस कंपटीशन? हाँ नैना, बस अब बहुत हो गया ड्रामा। तुम्हें सब कुछ याद आ गया है ना? मैं उसी वक्त समझ गया था जब हम फ्यूल भरवा रहे थे। अब बस भी कर दो ये ड्रामा करना प्लीज। नो 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 नो, नहीं कुछ नहीं याद आया मुझे। नहीं, मेरा मतलब कि उस दिन कुछ टेबल पर जैसे आग लग गई थी और फिर तुमने मुझे ऐसे ही एक ड्रेस भी लाकर दिया था और फिर हमने एक डांस कंपटीशन में एक साथ डांस भी किया था। कुछ कुछ याद आ रहा है मुझे। अचानक से मेरे जहन में बारी 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 कुछ कुछ याद आ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मुझे हर चीज याद आती जा रही है मुझे। ये तो मौजजा हो गया। मौजजा हो गया? हाँ। पट 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 पट। नैना, तुमसे ये सब नहीं होगा तो इसलिए झूठ बोलना बंद करो। अगर तुम मेरे बारे में जानते थे कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है तो कुछ कहा नहीं मुझसे? मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों कुछ नहीं कहा। देखो नैना, हम यहाँ क्यों आए थे? तुम्हारी याददाश्त वापस लाने के लिए, है ना? तो अब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है तो हमें वापस जाना होगा। ठीक है, मुझे तभी पता चल गया था कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है, लेकिन मैंने कुछ इसलिए नहीं कहा कि क्योंकि मैं वापस नहीं जाना चाहता था। क्या